भाईंदर, शहर के उत्तन स्थित मछुआरे की कई समस्याओं को लेकर यहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। काफ़ी गंभीर समस्या थी उनकी, जिसको लेकर विधायक गीता जैन ने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात की और उन्हें कहीं ना कहीं आज यहां के मछुआरों को राहत की सांस ली है। इस संदर्भ में हमसे बातचीत करने के लिए विधायक गीता जैन मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या थी? देखिए, सर्वे नंबर 295 में परंपरागत जो हमारा कोड़ी समाज रह रहा है उनके घरों को तोड़ने की नोटिस बार बार आ रही थी और अगर उनके घर टूट जाते तो शायद वो जिंदगी भर के लिए बेघर हो जाते, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और वो सालों से जब यहाँ रह रहे हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि उनको इस तरह से नोटिस दी जाए, क्योंकि 2000 पहले की सभी वास्तु को हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलर करार दे चुके हैं। तो इसी विषय को लेकर जब मैं विखे पाटिल जी के पास गई, कुछ पुरावे बताए कि सर ये इतने जूने घर हैं कोली समाज के, उन्होंने तुरंत ही कहा कि मैं अभी के लिए स्थगिति देता हूँ और उसका बरोबर प्रॉपर रिव्यू लेके उसकी हियरिंग लगा के उनको कायमी स्वरूप कैसे उनको लीगल किया जाता है उस विषय में हम काम करेंगे। मैडम, काफ़ी गंभीर समस्या थी ये, कहीं ना कहीं यहाँ के जो मछुआरे उन्होंने राहत की सांस ली है, एक उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिली है। खुशी कायम रहेगी ये विश्वास मुझे भी है, क्योंकि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और उनके पुरावे में जमा कर रही हूँ, कोई कारण नहीं है कि इनके घरों को तोड़ा जाए और इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये कायमी खुशी दिखने मिलेगी। मैडम, पिछले कई सालों से यहाँ पर पीढ़ी न दर पीढ़ी इनकी मछुआरे जो मछली फिशिंग का काम करते हैं, एक कहीं ना कहीं उनसे आपको काफ़ी अपेक्षा है, ये लोगों को आपसे किस तरह का उन्हें आगे सहयोग मिलेगा? देखिए, उनके जो जो समस्या है मैं उनको बार बार कहती हूँ कि शायद आपकी समस्या मेरी समझ में नहीं आए तो आप उसको निर्देशित करिए कि हमें ये समस्या है, मेरे प्रयत्न से वो समस्या कैसे दूर होगी। आपको एग्जांपल दूँ तो उनको कुछ जेटी चाहिए थी, कहीं लाइट कमी थी उनको अपने किनारों पे, तो मैंने वो सब उनको पूर्तता करके दी है, लाइटें लगवाई हैं उनको, जेटी बड़ी करके दी है, वो सब समस्याओं का समाधान हुआ है। लेकिन कुछ समस्या अगर मुझे पता नहीं है और उनके निर्देशन से मेरे समझ में आती है तो मैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयत्न करती हूँ। ये थे विधायक गीता जैन, इन्होंने यहाँ के जो मछुआरे हैं उनको आश्वासन दिया कि उनके हर समस्याओं को लेकर वो सरकार हल ज़रूर निकालेंगे। इस संदर्भ में हमने कुछ फादर से भी बातचीत की और साथ ही साथ यहाँ के मछुआरे हो या यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, हमने उनसे भी बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे हम लोगों का जो हम लोगों की लैंड है कोली लोगों की, उत्तन गांव में 295 करके जो सर्वे नंबर है, जिसमें कोली लोग पिछले 400 साल से हम लोग रह रहे हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हम लोग हैं, लेकिन हमारी लैंड अभी तक गवर्नमेंट के पास हम लोगों की लैंड रेगुलाइज ना होने के वजह से हर बार हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से नोटिसेस आते हैं, जबकि हम लोगों का छोटा घर था, अभी हम लोग बढ़ाने की सोच रहे हैं, नहीं तो हमारे पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अगर उस पर रिपेयरिंग करना है तो कॉरपोरेशन से हम लोगों को बार बार नोटिसेस आते हैं, कलेक्टर महसूल खाते से हम लोग का सर्वे किया जाता है। इसके बारे में लोगों में बहुत सारी अफवाहें फैलती है और लोगों में घबराहट आती है, इस वजह से उसको रेगुलाइज करने के लिए, उसको सिटीएस सर्वे और गांवठन बनाने के लिए हम लोगों ने मीटिंग आयोजित किया था, जिसमें MLA गीता जैन मैडम भी थी। उन्होंने आश्वासित किया है कि इस बारे में हम लोग शासन के, राज्य शासन के माध्यम से यहाँ पे जो भी ये योजनाएं है और यहाँ की समस्याएं वो लोगों के शासन के द्वार में हम लोग रखेंगे और उसका जो भी है उसका मतलब स्थितीय सर्वे है, रेगुलाइजेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ऐसा आश्वासित किया है। आता मैडम ने सांगितलं कि 7 नोटिसा त्यांच्याकडे आलेल्या आहेत, परंतु बऱ्याचशा जणांना बऱ्याचशा नोटिसा आलेल्या आहेत आणि म्हणूनच कोळी बांधव थोड़े भयभीत झालेले आहेत, कारण त्या ठिकाणी त्यांचं अस्तित्व आहे, त्या ठिकाणी त्यांचे कुटुंब आहेत, त्या ठिकाणी ते लहानाचे मोठे झालेले आहेत आणि कोळी बांधवांचा एक मुख्य व्यवसाय म्हणजे मच्छीमार आहेत, ते सोडून ते कुठे जाणार आहेत, आणि म्हणूनच या नोटिसाबद्दल ये तीव्र संतोष किंवा दिलासा भेटला आहे असं मला वाटतं। या मॅडमने जसं सांगितलं की ते आमच्या बरोबर आहेत आणि आम्हाला लागणारं सहकार्य ते करणार आहेत, हे त्यांचं शब्द आहेत आणि जेव्हा मॅडम शब्द देतात त्याप्रमाणे ते वागतात असे आमची विश्वास आहे। हमारा नाम है डॉक्टर संदीप बुरकेन, हम यहाँ के स्थानिक रहवासी है और ये जो उत्तन का जो पट्टा है यहाँ पे 100% लोग मच्छी मार्केट व्यवसाय करते हैं और ये हमारे चर्च के रिकॉर्ड से
ये पता चलता है कि यहाँ की जो बस्ती है 300 साल पहले से यहाँ पे है, लेकिन ये जो बस्ती है ये सरकारी ज़मीन पे बसी हुई है और अभी तक स्वतंत्र को 75 वर्ष हो गए, अभी तक हमारी जो बस्ती है उसके बारे में रेगुलराइजेशन का कोई भी प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ के लोगों को वारंवार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसें आती है, जैसे कि 2000 साल में नोटिस आई थी, 2010 साल में नोटिस आई थी, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। नोटिस को लोगों ने उत्तर भी दिया है, इसके बावजूद भी अभी भी 2023 में भी वापस से नोटिस आ चुकी है। और जो जो नोटिस लोगों को आई थी वो हमारे पास जो भी दस्तावेज थे हमने आमदार श्रीमती गीता जैन मैडम को हमने ये दे दिया है और उन्होंने मंत्रालय में वो सादर किया है और दिसंबर 2023 में उन्होंने हमें बता दिया कि जो भी तोड़क कार्रवाई इस जगह पे होने वाली थी वो स्थगित कर दी है। इसके लिए गाँव वालों ने मैडम की यहाँ पे सभा ली है, मैडम का सत्कार किया, मैडम को ये काम आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि खाली तोड़क कार्रवाई रोकने तक ही ये काम स्टॉप नहीं करना चाहिए, इसके आगे जाकर लोगों के घरों को सिटी सर्वे नंबर कैसे मिला जाए, यहाँ की जो बस्ती है रेगुलराइज कैसे हो जाए, इसके लिए मैडम काम करने वाली है, कार्रवाई करने वाली है। और मैडम ने यहाँ पे आश्वासन भी दिया है आज की मीटिंग में कि इसके बाद आने वाले किसी भी समय में लोगों को कोई भी नोटिस नहीं आएगी। और इतना ही नहीं, ये जो बस्ती है जब तक रेगुलराइज नहीं होती तब तक मैडम शांत नहीं बैठेगी। ये सब बोलने के बाद, ये सब सुनने के बाद यहाँ के लोगों ने एक उनको बहुत अच्छा लगा, वो थोड़े बिंदास हो गए और मैडम को उन्होंने बोल दिया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारे चर्च के पास, जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो भी सात बारह है, गावटन है, 1983 का GR कहता है कि ये जो समुंदर किनारे का जो ज़मीन है सरकार ने मछुआरों को दे दिए है, तो ये सब दस्तावेज हम लोग मैडम के पास लेके जाने वाले हैं। और मैडम ने कहा है कि आपका रेगुलराइजेशन का काम आने वाले कुछ महीनों में ही वो करके देने वाली है। ये थे यहाँ के स्थानीय मछुआरे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरे पे एक प्रकार खुशी देखने को मिली, जिस तरह से महसूल मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने स्थगिति दे दी यहाँ के सर्वे को लेकर। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली उत्तन।